अगर पूरा लेआउट में जाए तो सर ज्यादा मैक्सिमम जो है वो 13 जाएंगे सर, तो उसमें कोई बट उसमें फिर ट्रेनिंग में या सारे असरात आ जाते हैं। अब अगर हम मीडियम डेंसिटी में से तो जो अगर हम टेक्निकली इसमें जो हमारा डिस्टेंस होगा 47 उसमें आ जाते हैं, बट हम डेंसिटी में उसमें अभी जो हमारे आए हैं करीबन 3 तो सर अभी एप्लीकेशंस आ रही है, इनफैक्ट हमारी सर्विसेज जो भी है अभी ऑनलाइन हो रही है फ्रॉम मशीनरी टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑर्चर्ड। खाली पासबुक अभी है सर जो हम पासबुक मुहैया करते हैं। आप देख रहे हैं आज माई टाउन माई प्राइड या बैक टू विलेज 4 चल रहा है अक्रॉस जे एंड के, यूटी ऑफ जे एंड के, हर जगह 21 से 28 तक जो सर्कुलर निकला था कि इसमें हर एक ऑफिसर जो प्रभारी ऑफिसर हैं हर एक म्यूनिसपैलिटी में काउंसिल में कमेटी में या हर एक गांव में भी गए ऑफिसर। मैं कुछ दिन पहले बैक टू विलेज से भी आया हूं और आज संभल में यहां पे हमने एक मीटिंग ली इस सिलसिले में जो एक रिव्यू मीटिंग थी कि आज से 3 महीने पहले जब माई टाउन माई प्राइड का हमने यहां पे दौरा किया था और देखे थे मुशाहिदात किए थे कि यहां पे क्या क्या ज़रूरियात लोगों के लिए हमारे ऑफिसर या ग्राउंड स्टाफ कर रहे हैं और गवर्नमेंट क्या स्कीमें दे रहे और हम अमला रहे यहाँ पे ऑन ग्राउंड। उसी के सिलसिले में हमने आज एक रिव्यू मीटिंग ली, ऑफिसर सभी ऑफिसर थे हर एक डिपार्टमेंट से जितने भी इनके फ्रंट लाइन वर्कर्स ऑफिसर्स थे यहाँ पे अवेलेबल, और हमने उनसे ये रिव्यू लिया कि इन 3 महीनों में क्या क्या काम हमने किए, क्योंकि गवर्नमेंट ने इनको प्रभारी ऑफिसर बनाए हर एक को अपने चाहे विलेज में या इस टाउन में 1 साल के लिए, और हर 3 महीने बाद एक रिव्यू लेना ही है। और मुझे खुशी है कि आज कुछ काम इन्होंने जो पाए तकमील तक भी पहुंचाए और कुछ काम चल रहे भी जो हमने मुशाहिदात देखे भी उस पर भी कार्रवाई हो रही है, और मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह जो दूसरा रिव्यू होगा इसमें हम इंशाल्लाह यहाँ पे अच्छी इम्प्रूवमेंट भी होगी और लोग भी खुश होंगे। यहाँ पे इतने जो हमने 3 महीने पहले शिकायत का भूचाल था यहाँ पे, लेकिन उसमें कमी बहुत कमी आई है, लेकिन फिर भी इश्यूज रहते हैं। देयर रिमेन्स ऑलवेज स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट, हम कोशिश करेंगे इनके पीछे रहेंगे और यहाँ पर SDM साहब EO साहब सभी जो भी तहसीलदार साहब कंसर्न ऑफिसर्स जितने भी महकमे जात हैं उनसे ऑफिसर्स से बात करके हम रोज़ बात करेंगे और लोगों के भी जितने भी एप्लीकेशन या कंप्लेंट कोई भी होगा कोई शिका गिलवा गिला शिकवा कुछ होगा उस पर बात करेंगे इंशाल्लाह दूर करने की कोशिश करेंगे और अगला रिव्यू अच्छा होगा। उसको पता है ये लो लाइंग एरिया हमारा है, यहाँ पे ड्रेनेज का मसला है अभी, और इसमें कंप्रेहेंस वेव पे एक होलिस्टिक मैनर में एक ड्रेनेज सिस्टम बनाना ही है, सीवरेज का अलग और ड्रेनेज का अलग। इसमें अभी मैंने SDM साहब से भी जानकारी ली है कि इन्होंने कहा कि डीसी साहब से भी उन्होंने बात की है और कंसर्न इसमें भी आएंगे कंसर्न ऑफिसर्स, और इसमें अब एक बनाएंगे एक खाका बनाएंगे जिसमें ये पूरे इस टाउन के लिए जो संभल टाउन है हमारा लो लाइंग एरिया है इसमें ड्रेनेज किस तरह बन जाएगा और इस पर काम चल जाएगा। उसमें पैसे की भी ज़रूरत है और गवर्नमेंट पैसा ज़रूर देगी और अगर तरीके नाल हम इसमें एक प्रोजेक्ट बनाएंगे।